वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 40 डिग्री और 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जैसे 40 डिग्री 50 का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और 50 डिग्री 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आज हम इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस करेंगे। देखें, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, यहां पे 90 कंसीडर किया, बी पे 90 है, तो ए और सी हमारे कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है, और दोनों का सम कितना है 90, क्योंकि ट्रायंगल में ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180, 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बचा, ए प्लस सी 90 बचा। इसको मैं थीटा मान लेता हूं, क्या मान लिया थीटा, तो ये सी हमारा कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये कि अगर ये थीटा होगा एंगल, ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी ए एंड सी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम इन्हीं की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करेंगे कि सी और ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन है। देखिए, पहला है हमारा साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा पहला फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब है इस एंगल की साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा निकालोगे और इस एंगल का कोस थीटा निकालोगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। देखें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के केस में ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए बेस, थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, बेस कितना हुआ हमारा ए बी, ए सी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब है अगर थीटा मेरा 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू साइन कोस साइन 60 डिग्री के बराबर होगी। अगर मेरा थीटा मैंने 30 डिग्री ले लिया, थीटा मैंने कितना लिया 30, तो कोस 30 किसके गुण होगा, साइन 60 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, सेकंड कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम उन्हीं की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे हैं। थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है कोसेक, 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। पहले देखें, ये आपके छह फॉर्मूले हैं, या ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं छह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, आपको लर्न करनी है और इनको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। तरीका बता देता हूं किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे, साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में चेंज हो गया, इसके आगे को लगा दो, को नहीं है तो को लगा दो, को साइन में चेंज हो गया, को है ये है को साइन, को हटा दो तो साइन बचा साइन थीटा, टेन इसके आगे को नहीं है तो को लगा दो, को टेंजेंट हो गया। यानी कि ये हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर को नहीं है तो लगा दो,
और को है तो हटा दो, वो राइट हैंड साइड में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी। कैसे यूज करेंगे इनका देखें, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72। अब ध्यान देंगे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी वैल्यू, ना तो हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है ना कोस हमें 72 डिग्री की वैल्यू पता है, बट हम इनको चेंज कर सकते हैं। कैसे, दोनों एंगल्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये श्योर है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे आपके, अगर मान लो ये 73 होता तो क्वेश्चन नहीं हमारे लाइक नहीं था, क्वेश्चन नहीं बनता हमारे यहाँ 10th क्लास में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे आपको, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं साइन 18 डिग्री को इनकी हेल्प से, या कोस को चेंज करो आपकी मर्जी, इनमें से एक एंगल को 18 को 72 में चेंज कर लो या 72 को 18 में चेंज कर लो। कैसे, साइन का साइन लिखा मैं 18 को लिख रहा हूं, 18 का कॉम्प्लीमेंट, जैसे थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो 90, तो 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। सिर्फ मैंने 90 में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए, सिर्फ एंगल को चेंज किया है कॉस 72 डिग्री, सिर्फ 18 की जगह लिखा है। अब लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा किस कितना हमारा 72, कॉस थीटा क्या यूज किया है, सिंस साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, अब आ गया ना इक्वल, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है फोर्थ पार्ट, इवैल्यूएट कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब ध्यान दें दोनों हमारे कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसलिए एक एंगल को हम चेंज करते हैं, एक एंगल को कोसेक, या तो 31 को चेंज कर रहा हूं या 59 को, आपकी मर्जी है, मैं 31 को चेंज कर रहा हूं, 90 माइनस क्या लिखूं जिससे कि 31 आ जाए, 90 माइनस ये 90 में से ये माइनस करें, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है ना, तो 90 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, 90 में से ये माइनस करोगे ये आ जाएगा, तो 90 में से क्या माइनस करते हैं 59 और माइनस इसको एज इट इज रखेंगे, एक को ही चेंज करना है सिर्फ sec 59, समझ आ रहा है ना। अब cosec 90 माइनस थीटा यहां पे आ जाएगा, sec थीटा यहां लिख देता हूं, सिंस cosec 90 माइनस थीटा को हटा देंगे हम तो क्या बचा, sec बचा ना, sec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा हमारा कितना 59 माइनस sec, इसका आंसर कितना आ गया 0 और इसके कितना आंसर आया था 1। इसको इन क्वेश्चंस को करने के जो मैंने सिर्फ एंगल एंगल को चेंज किया है दो मेथड्स हैं, एक मेथड और है बेटर यही है, आपकी मर्जी है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा साइन को लगा दो, को है तो हटा दो, को नहीं है तो को लगा दो, उसी में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी।